हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स वेलकम टू माय चैनल आई मिस साइकिक मीडियम वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल लाइक एंड शेयर दिस वीडियो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ऑल ऑप्शंस पर ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे पर्सनल रीडिंग के सारे डिटेल्स सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ ट्वेंटी लव प्रडिक्शन सिंगल मैरिड इन रिलेशनशिप सभी के लिए है ओके okay? आप इंट्यूटिवली इस क्रिस्टल को चूज़ कीजिए ग्रुप नंबर वन ग्रीन एवेन ओके, ग्रुप नंबर टू सिट्रिन सिट्रिन, ग्रुप नंबर थ्री रेड जैस्पर ओके जो क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट करिए उसी को चूज़ कीजिए स्क्रीन पर एक शॉट भी आएंगे आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं क्रिस्टल के ऊपर चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ थैंक यू ग्रुप वन वेलकम चलिए देखते हैं ट्वेंट्री ट्वेंटी टू लव प्रडिक्शन सिंगल मैरिड इन रिलेशनशिप सभी के लिए है ऑल साइन के लिए है चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ आपने ग्रीन एवं चूज किया है ग्रीन क्रिस्टल थैंक यू मस्प्रेड से जुड़ी हुई क्रिस्टल uh, है कम्युनिकेशन थ्रॉट चक्रा एंड एज वेल एज हीलिंग हार्ट हीलिंग के लिए हमारे हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए हम इस क्रिस्टल के साथ वर्क करते हैं राइट right? चलिए देखते हैं थैंक यू मच गटेंटी टू लव प्रिशन अगर आप पर्सन रीडिंग बाय करना चाहते हैं तो सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ठीक है चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर वन द फेस्टिवल क्रिएट्स एन एनर्जेटिक ब्लू प्रिंट फॉर ए फ इवेंट नंबर ट्वेंटी सेवन फंटेस्टिक इवेंट की एनर्जी आ रही माई डियर मैं लव लाइफ देख रही हूँ यहाँ पर तो मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना एंगेजमेंट तय होना मैरिज होना तो यहाँ पर एक सेक्र रिचुअल्स इवेंट जो डेस्टाइंड है आपके लिए

यहाँ पर सच्चाई क्लैरिटी क्योंकि यार मतलब एक पैराडा सिप्ट की एनर्जी है क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है ट्वेंटी ट्वेंटी टू में लव लाइफ में क्लैरिटी मुझे दिखाई दे रही है एंड बहुत टाइम से जैसे आप एक कन्फ्यूशन में थी उस चीज़ में आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएंगे थैंक यू मस्प्रेड गाइड कि वो पर्सन मेरी सोलमेट है या नहीं वो पर्सन मेरी कार्मिक है या नहीं वो पर्सन मेरी ट्विन फ्लेम, फ्लेम है या नहीं या फिर रिलेशनशिप में कुछ सीक्रेट चल रही थी आप दोनों के बीच ऑलरेडी इन रिलेशनशिप में है तो कुछ ना कुछ सच्चाई यहाँ पर आएंगे दिस इज द दर ट्रू थ्रॉट चकड़ा एंड दैट्स वाई द ग्रीन एवेंचूड एंड ही तो यहाँ पर थ्रॉट चकड़ा क्लियर होगी माई डियर एक्सप्रे अपनी एक्सप्रेशन अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर कोई शेयर करेगा एनर्जी को शेयर करेगा थैंक यू मैं स्प्रेट गाय थैंक यू लेट से देखते हैं थैंक यू सिक्स ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी दिखाई दी सिक्स ऑफ शॉर्ट्स थैंक यू ग्रुप नंबर वन टू हंड्रीडी टू लव लाइ थैंक यू थैंक यू मैं स्प्रीट गाय थैंक यू थैंक यू Thank you, Ms. Baker. Thank you. Thank you. One time more. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, Ms. Baker. Let's see. Thank you. Turn twenty two. Love protection, thank you. Group number one, thank you. Thank you, my spirit guide. Thank you, thank you, thank you, my spirit guide. Thank you, group number one, thank you, King of Cups. द मिस्ट यस दोमिनस ये यहाँ पर किंग ऑफ कप्स डि काउंटर पार्ट्स को रिवेल होने जा रही है एंड किंग ऑफ कप्स एक्चुअली इमोशनली वेरी बैलेंसड एनर्जी वेरी मिस्टोरियस वेरी बैलेंस्ड ये अपनी अपनी फीलिंग्स अपनी थाट्स को बहुत ईजिली रिवेल नहीं कर पाते हैं अगर पेज ऑफ कप्स होते हैं तो ये रिवेल कर देता ये बता देता बट किंग ऑफ कप्स ये मेल फीमेल कोई भी हो सकती है मैं जेंडर की बात नहीं कर रही यहाँ पर ये एनर्जी इंट्रोवर्ट शाई एनर्जी है ये एनर्जी दूर से बैठ कर मतलब एक ऑब्जर्वर की एनर्जी है हो सकता है यहाँ पर बिकॉज़ यहाँ पर एक पिरामिड की भी एनर्जी मुझे नज, नजर आ रही तो पिरामिड के अंदर क्या हो रही है हमें पता नहीं चलता है इट्स लाइक वेरी बंद किताब की जैसे एनर्जी है तो यहाँ पर कोई सीक्रेट यहाँ पर रिवेल होने जा रही है माई डियर क्योंकि आपके ये पास यर की एनर्जी है दिस इज द मास्टर एनर्जी है तो डेफिनेटली यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की ओर से क्वीन ऑफ कप्स की ओर से मान लीजिए कुछ सीक्रेट यहाँ पर इनकी ओर से रिवेल होने जा रही है एंड किंग ऑफ कप्स एंड विथ दिस मिस्ट्री दिस इज ह्यूज इंट्यूशन इंट्यूशन आपका सिक्स चक्र काफी स्ट्रॉन्ग uh, रहेंगे एंड दैट्स वाई साइन आपको बहुत दिखेंगे एंड पर्टिकुलरली आप समझ पाएंगे दिस इज माई सोलमेट यही मेरे डेस्टाइन पार्टनर एंड फेस्टिवल के नीचे किंग ऑफ कप्स एनर्जी हियर डेफिनेटली डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी मुझे नजर आ रही है एंड रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग होगी क्योंकि किंग ऑफ कप्स अपनी एनर्जी को शेयर कर रहा है अपनी मिस्ट्री को रिवेल कर रहा है थैंक यू मस्ट ब्रीट गाय थैंक यू फ्लो ट्राइन ओके दिस इज एस ऑफ शॉर्ट्स एंड दर एनर्जी हेयर गोइंग विथ फ्लो जाइए माई डियर अगर अभी की बात अगर मैं करूँ तो गोइंग विथ फ्लो जाइए एनर्जी इज वेरी वेरी पॉजिटिव ग्रुप नंबर वन एंड मुझे आपके लिए हीलिंग भी दिखाई दे रही है हार्ट हीलिंग हार्ट चक्रा की हीलिंग एंड एज वेल एज आपका थ्रॉट चक्रा सिक्स चक्रा ये तीनों चकड़ा मुझे बहुत ज़्यादा टर्टर ट्यू में एक्टिव नजर आ रही है एस ऑफ शॉर्ट्स कन्फर्मेशन दे रही है दिस न्यू बिगनिंग्स विथ क्लैरिटी अब बहुत टाइम से गोइंग विथ फ्लो ही जा रही थी मुझे कहने की जरूरत नहीं है बस लाइफ चल रही थी मतलब कुछ, कुछ न्यू बिगिनिंग्स नहीं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बस चल रहा है बस जीना है तो जी रही हूँ तो वो एनर्जी के साथ आप जा रही थी बट इस जगह पर एक न्यू बिगिनिंग से क्लैरिटी आ रही है माई डियर ये जो ट्राइन के साइन होते हैं ना ये साइन का मतलब मूवमेंट इसका डायरेक्शन अपवर्ड है एनर्जी इज मूविंग फॉरवर्ड तो यहाँ पर आपका एनर्जी का वाइब्रेशन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे माई डियर थैंक यू शायद मैं जब कार्ड को शफल कर रही थी सिक्स ऑफ शॉर्ट्स एक बार आई थी मैं ब, बता चुकी हूँ आपको सिक्स ऑफ शॉर्ट्स कैस कन्फ्लिक्ट से ब्लेसिंग्स की और यात्रा है एक ट्रैवल स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल जर्नी को दिखाते हैं एज वेल एज फिजिकल जर्नी को भी दिखाते हैं बट डेफिनेटली गोइंग विथ फ्लो आप लंबे टाइम से जा रही थी बस ट्रांसफॉर्मेशन का वेट है एक मेजर इवेंट्स का आपको वेट है परफेक्ट पार्टनर का वेट है या तो फिर रिकॉन्सिलेशन का वेट है वेट तो आपका है ही माइंड एक कार्ड यहाँ पर बैठ कर किसी चीज़ को वेट दिखा रही जैसे चलता जाड़ा, चलता जाड़ा है जैसे वेट चलता जा रहा है चलता जा रहा है एंड दिस इज द यूरिनस वो तो होगा ही रेवोल्यूशन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आने जा रहे हैं ऑफ शॉर्ट्स हैंट्स यूरिनस इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन यूरिनस वेरी अनएक्सपेक्टेड एक जैसे ब्रेक थ्रू की ज़रूरत होती है ना हमें जैसे लाइफ एक बोडम वाली एनर्जी चल रहा है बस चल रहा है कुछ भी यहाँ पर कुछ भी आई I मीन mean, कुछ हटके से आपकी लाइफ में नहीं हो रही है वो कहते हैं ना कि प्यार में भी एक तरका की जरूरत होती है तो कुछ भी नहीं थी आपकी लाइफ जैसे बोडम्बल एनर्जी मुझे फील हो रही है उस जगह पर एक ब्रेक थ्रू आपको मिल रही you है कुछ मेजर इवेंट्स बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू द यर एनर्जी इज अ पैराडाइम स्विफ्ट एनर्जी हियर दिस एनर्जी इज ह्यूज एंड ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है माई डयर प्लस सी थैंक यू लव लाइफ की जर्नी थैंक यू टू रुप नंबर वन थैंक यू थैंक यू माइ स्प्रिट गाइड थैंक यू थैंक यू एंड लॉट ऑफ शॉर्ट्स एंड कफ एनर्जी एस ऑफ शॉर्ट्स सिक्स ऑफ शॉर्ट्स इज यर एनर्जी एंड कनेक्टेड विथ आवर ब्रेन तो यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल हो रही है धीरे धीरे इमोशनली बैलेंस हो रही है उन्हें समझ आ रही है कि क्या इल्यूशन है क्या ट्रूथ है क्या रियल है क्या रियल है जो फिल्म में होती वो रियल लाइफ में नहीं होता किसी को समझ आ रही है रियलाइज हो रही है ट्रू सोल पहचानना यहाँ पर टू ट्वेंटी टू में कोई अगर आपकी टू ट्वेंटी वन में कोई फॉल्स सोलमेट फॉल्स ट्विन फ्लेम थी वो निकल जाएंगे बिकॉज ऑफ सिक्स ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी बोर्ड चले जाएंगे ट्रू सोलमेट ट्रू ट्विन फ्लेम को आप अट्रैक्ट करोगे विथ ऑफ एस ऑफ शॉर्ट्स क्लैरिटी के साथ थैंक यू ग्रुप नंबर वन थैंक यू टू ट्वेंटी टू लव जर्नी थैंक यू थैंक यू मस्ट ब्रेट गाय थैंक यू थैंक यू थैंक यू मस्ट ब्रेट गाय थैंक यू स्वीट सरेंडर नंबर ट्वेंटी एट ये आपका फर्स्ट कार्ड आया है सो डेफिनेटली जगह पर ये एनर्जी चल रहा है आप सरेंडर के मूड पे हो या फिर आप कर चुके हो अपनी लव लाइफ को सरेंडर कर चुके हो माई डियर यहाँ पर दो एक कपिल है हो सकता है इन रिलेशनशिप में जो है जो कुछ प्रॉब्लम दिक्कत चल रही बात मैरिज तक नहीं पहुंच रही थी तो आप दोनों से शायद सरेंडर के मूड में हो या फिर कोई एक पर्सन सरेंडर कर चुका है यूनिवर्स को कि जो होगा आप देख लो मेरे हाथ में कुछ नहीं है तो यहाँ पर वो एनर्जी भी मौजूद है वन मोर कार्ड थैंक यू Thank you, thank you. The lady who waits. Hmm. Number one. of shorts. The lady who waits. Number one. back to back. Number twenty-eight, number one, number one, triple one and ace of swords Triple one. Triple one ki, uh, ek, uh, एंजल नंबर हो सकती है कि टेंट्रेन टू में आपको बहुत दिखे सो दिस अ कंफर्मेशन कि आपकी लाइफ में एक रेवोल्यूशन आ रही है एक एक ब्रेक थ्रू आपकी लव लाइफ में आने जा रही है एंड बैक ऑफ द डेक दिस इज अ डाउट एंड एन डिसीशन यहाँ पर मैं आपको बोल रही थी ना यहाँ पर कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चल रही थी माई डियर यहाँ पर डाउट एंड डिसीशन उससे भरी हुई थी एनर्जी एंड उस जगह पर आपकी लाइफ में एक क्लैरिटी आने जा रही है हो सकता है पार्टनर को लेकर शक हो रही थी या फिर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो क्लैरिटी टेंट्रोन टू में आपके लिए स्टेटमेंट है मास्टर स्टेटमेंट दैट इज़ क्लैरिटी ट्रूथ रिवेल्ड होगा थैंक यू सो मच चलिए देखते हैं थैंक यू क्या और एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं डॉक्टर नंबर वन के लिए ट्वेंटी ट्वेंटी टू लव यू स्वीट का थैंक यू गार्डन बैक टू बैक कोई पर्सन लंबी टाइम से वेट करते जा रही है यहाँ पर भी द लेडी हु वेट्स एंड यहाँ पर भी एक लेडी बैठी हुई है मैं यहाँ पर जेंडर मेंशन नहीं कर रही आप वेट कर रही हूँ डियर लव लाइफ में आपको किसी चीज़ का वेट है वो पार्टनर का हो परफेक्ट पार्टनर को हो मैचिंग के लिए और रिलेशनशिप में वो पार्टनर अवेलेबल नहीं है इमोशनली और मान लीजिए वो लॉन्ग डिस्टेंस में है या फिर आपकी पार्टनर ही लॉन्ग डिस्टेंस में है वेटिंग की एनर्जी बहुत आ रही है थैंक यू एंड ये आपका टन ट्वेंटी टू का एनर्जी नहीं है टन ट्वेंटी वन से ही या फिर और भी कुछ ईयर से ही वेट चल रही है डियर थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मच स्पीड का थैंक यू डेटिंग येस मैं तो आपको बोल रही थी यहाँ पर डेट करेंगे यहाँ पर मुझे मैरिज भी दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी है एंड द कंपेटिबिलिटी हेयर क्रिएटिविटी डेफिनेटली यहाँ पर कंपेटिबिलिट के में मैरिज होना क्योंकि यहाँ पर सिंगल की भी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर कंपेरेबिलिटी के डिफरेंस में मैरिज होना एंड डेटिंग की एनर्जी आ रही है डेटिंग डेफिनेटली ऑनलाइन साइट सोशल मीडिया मेटेमोनियल साइट इस टाइप के प्लेटफॉर्म किसी पर्सन के थ्रू से आप मिल रहे हो कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू से आप मिल रहे हो या फिर एक फ्रेंड दूस, दूसरी फ्रेंड के पास वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रही है वो बात आप तक पहुँच रही है तो यहाँ पर जैसे किसी की मीडियम के थ्रू से कोई मीडियम काम करेंगे वो सोशल मीडिया हो कोई पर्सन हो उसके थ्रू से आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल रही हो बट टेबिलिटी का डिफरेंस होगा बट अगेन जो रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड है क्रिएटिविटी की एनर्जी आ रही है दोनों मिलकर कुछ करेंगे टन टू में थैंक यू मस्ट प्रियत गाय थैंक यू मैं एक मास्टर कार्ड देखूंगी एनर्जी देखेंगे मास्टर थैंक यू टन टू थैंक यू ग्रुप नंबर वन के लिए टन टू लव मास्टर एनर्जी थैंक यू थैंक यू मस्ट प्रियत थैंक यू थैंक यू थैंक यू मच पीट का थैंक यू सन कार्ड आ रही है थैंक यू एनर्जी इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव डियर थैंक यू रोशनी आ रही है आपके लव लाइफ में जो डार्कनेस थी उस वो सारे डार्कनेस नेगेटिव थाट्स सब कुछ निकल कर आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रही है दिस कॉन्ट्रैक्ट सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ में एंड बैलेंस ओवरऑल एनर्जी की बात करूँ दैट इज़ बैलेंस आपका लव लाइफ मुझे बैलेंस हंड्रेड टू में दिखाई दे आप सिंगल है मैरिड है इन रिलेशनशिप

हेलो ग्रुप टू वेलकम चलिए देखते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी टू लव प्रडिक्शन सिंगल मैरिड इन रिलेशनशिप सभी के लिए है आज रीडिंग ठीक है आपने सिट्रिन चूज़ किया है सिट्रिन की बात करें तो जु, गुरु जुपिटर के साथ जुड़ी हुई एक क्रिस्टल अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी लेकर आते हैं हमारे लाइफ में आपने इंट्यूटिवली इस क्रिस्टल को चूज़ किया है जुपिटर आपके लिए योग कारक प्लानट हो सकता सकते आपकी चार्ट में सर्टल में बली हो सकते डिग्री वाइज बली है या फिर कोई राजयोग निर्माण करिए एंड दैट्स वाई आपने इसको चूज़ किया है चलिए देखते हैं क्या अबंडेंस क्या प्रॉस्पेरिटी आपकी लव लाइफ में टन हंड्रेड टू में आ रही है अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं थैंक यू चलिए देखते हैं ओके योर फर्स्ट कार्ड आर्थ अर्थ एनर्जी नंबर फिफ्टीन आक्स द एलिमेंट ऑफ अर्थ फॉर ग्राउंडिंग स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ अर्थ एनर्जी लव लाइफ में आना ये बहुत बहुत पॉजिटिव है माय डियर जड़े का मजबूत होना रिलेशनशिप का बॉन्ड स्ट्रांग होना अगर आप मैरिड इन रिलेशनशिप में हैं और एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप तो ये स्ट्रांग हो रही है एंड आर्थ एक कमिटमेंट को भी दिखाते हैं क्योंकि जहाँ पर कमिटमेंट है उस जगह पर ही आर्थ एलिमेंट स्ट्रांग होते हैं तो यहाँ पर वचन देना एक कमिटमेंट देना उस जगह पर बॉन्ड आप दोनों के बीच काफ़ी स्ट्रांग होगी जो मनमुटाव चल रही थी उस जगह पर वो रिलीज होगी नेगेटिविटी रिलीज होगी मैं पहले आपको बोल रही थी ना कि रूट्स यहाँ पर मजबूत हो रही है टॉरस टोरस को कैप्लीकॉन की एनर्जी है एंड लव चॉम अट्रैक्टेड लव हर सोल और लाइफ पार्टनर नंबर नाइन की एनर्जी नंबर सिक्स एंड नंबर नाइन सिक्स एंड नाइन एनर्जी इज अगेन टू इन फ्लेम सोलमेट एनर्जी हेयर डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी एक दूसरे को मिरर करने की एनर्जी है नंबर सिक्स एवं नंबर नाइन बट नंबर सिक्स एक्चुअल में आया नहीं है नंबर फिफ्टीन में आया है तो मुझे लगता है ग्रुप नंबर टू में बहुत सारे व्यूअर्स अभी भी अपने सोलमेट से मिले नहीं है एंड कुछ व्यूअर्स ऑलरेडी मिल चुके बिकॉज नंबर सिक्स की फाइव से मैं सिंगल की बात कर रही हूँ और अदरवाइज जो इन रिलेशनशिप में है मैरिड है उन उनके लाइफ बैलेंस होने जा रही है दिस इज़ अस नंबर सिक्स नंबर नाइन बैलेंस हो रही है लाइफ ओके चलिए देखते हैं थैंक यू Thank you, my spirit guide. 22, love journey. Thank you. Thank you. Love protection for group number two. Twenty twenty-two. Thank you. Thank you, my spirit guide. Thank you. Thank you, my spirit. Thank you. Thank you. टी ट्वेंटी टू ग्रुप नंबर टू इतनी साड़ी टू की एनर्जी थैंक यू थैंक यू मिस थैंक यू नंबर एट आ रही है सारे टू को मिलाकर ट्वेंड्री ट्वेंटी टू एंड ग्रुप नंबर टू थैंक यू इज मैनिफेस्टेशन नंबर एट इज अटन एनर्जी कर्मा यहाँ पर कर्मा का भुगतान होना आपकी परसिवरेंस को जैसे रिवॉर्ड मिलने जा रही है बहुत टाइम से आप वेट किया था तो वो वो वेट आपकी ख़त्म होने जा रही है लॉर्ड सैटर्न ने शायद बहुत ही इम्तहान लिया होगा आपसे एंड डीले आपने फेस की है थैंक यू थैंक यू मस्ट पेडकाय थैंक यू ग्रुप नंबर टू थैंक यू थैंक यू मिस पेडकाय लव प्रोडक्शन थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बहुत लेसन आप सेटन की फेजेस में लर्न करेंगे जब महादशा अंतर प्रत्यंतर में आएंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू चलिए देखते हैं थैंक यू द मून एंड द सेवेंथ हाउस मून इन सेवेंथ हाउस मतलब खिला खियत खिला मतलब चांद के जैसे एक चेहरा वो मासूमियत एंड पर्टिकुलरली मून जब सेवंथ हाउस में होती है स्पाउस बहुत नर्चरिंग केयरिंग एंड मदरली फिगर के जैसे होते हैं जैसे एक इमोशनल बॉन्ड बिकॉज मून इज अ वॉटरी एंड द सेवेंथ हाउस मैरिज का घर है एंड अगेन दिस इज द बैलेंस एनर्जी लिब्रा एनर्जी हियर तो आपका जो स्पाउस होगी अगर मैं सिंगल uh, की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा बैलेंसड एनर्जी एक्चुअली वो आपका डिफाइंड काउंटर पार्ट ही है आपका सैडो सेल्फ ही है बिकॉज द सेवेंथ हाउस डेस्टाइन पार्टनर है आपका कार्मिक लग नहीं रहा है यहाँ पर एक पास्ट एनर्जी नजर आ रही है जैसे पास्ट लाइफ की पार्टनर है क्योंकि मून पास्ट पास्ट लाइफ को भी दिखाता है मून तो यहाँ पर वो रिपीट हो रही है तो ये पार्टनर का जैसे रिपीट uh, हो रही है जैसे उस जन्म में भी थी इस जन्म में है आने वाले जन्म में भी होगा तो इस टाइप की एनर्जी है एंड uh, दूसरी यहाँ पर मैरिड या फिर रिलेशनशिप की बात करें सेवेंथ हाउस एंड इन द मून एनर्जी यहाँ पर इमोशनल बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होगी एंड सी दिस दिस इज अ बैलेंस एयर थैंक यू मच फ्रिट गाय थैंक यू सिक्स ऑफ वॉन्स एंड द फ्लो एनर्जी वाह सिक्स ऑफ वार्नस इज अ कार्ड ऑफ विक्ट्री एक विक्टोरियस फीलिंग होना कि अल्टीमेटली आई हैव डन इट और अल्टीमेटली मुझे वो मिल चुकी है अल्टीमेटली मुझे वो परफेक्ट पार्टनर परफेक्ट मैच मुझे मिली सिक्स ऑफ वार्ड्स काफ़ी ये बो एनर्जी है काफ़ी टाइम से लोगों की ताने सुन रही थी क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त कर रही थी उस जगह पर एक जवाब है आई हैव डन इट अल्टीमेटली सब कुछ ठीक हो गया एंड द फ्लो एनर्जी अप गोइंग विथ फ्लो जाएंगे एंड ट्वेंटी टू बहुत ही गोइंग विथ फ्लो एनर्जी नजर आ रही कि सक्सेस शुरुआत से लेकर एंड तक आपकी बनी रहेगी माई डियर आई डोंट नो वाई बट आई फील दिस एनर्जी इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव क्योंकि मुझे फ्लो की जो एनर्जी आ रही है दिस इज एक्चुअली कार्ड ऑफ विक्टोरी एंड वो फ्लो हो रही है डेफिनेटली कार्ड पॉजिटिव आना चाहिए लेस सी येस थैंक यू माई स्प्रिट गाइड दिस इज़ द हाइ रिफेन एंड द मिस्ट एनर्जी हाइ रफेन इज़ अ व व व वेनास एनर्जी एक्चुअली एंड वेनास गुरु को दिखाते स्टेटस का बढ़ना एंड अब अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पर मून एनर्जी फर्स्ट में आया था आपका नंबर नाइन एनर्जी मून जो हमारे इंट्यूशन को दिखाती है हमारी जो सैडो सेल्फ है उसको दिखा रहे हैं एंड द हाइरोफेंट वो एक्चुअली हमारी ब्राइट सेल्फ है हाइरोफेंट एक सन की एनर्जी के जैसे है एंड वेनस का एनर्जी है मैरिज के लिए यहाँ पर मुझे बहुत बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है क्योंकि कुछ कुछ मिस्ट्री जैसे एक पिरामिड से जैसे एक रोशनी आ रही है पिरामिड्स के अंदर से क्योंकि पिरामिड की जब एनर्जी आती है इस वेरी सीक्रेट्स किसी का सीक्रेट्स का रिवील होना या फिर लॉन्ग टाइम से ब्लॉकेज रही थी ब्लॉकेज चल रही थी वो खत्म ही नहीं हो रही वो डीले खत्म ही नहीं हो रही है ये मिस्ट्री से कहीं ना कहीं हाइरोफेन उस जगह पर एक बचाव है एंड दूसरी एक वाइब्स आ रही है कि आपकी कुछ हीडन कुछ सीक्रेट्स से वो अचानक से पब्लिक हो सकती हैं इन रिलेशनशिप एंड सिंगल के लिए कुछ सीक्रेट्स uh, जो शायद आप छुपा रही थी लॉन्ग टाइम लॉन्ग टाइम से वो अचानक से रिवेल हो सकते हैं बट आपके लिए बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम के कारण नहीं बनेंगे बिकॉज एनर्जी इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव है वो आपको दिक्कत नहीं देंगे माय डियर थैंक यू बिकॉज हाइड्रोफेन इज़ अ प्लेस्ड एनर्जी एक्चुअली आपने चुना है गुरु की एनर्जी बट दूसरे गुरु यहाँ पर हावी हो रही दैट इज़ द वेनस एनर्जी एंड हाइड्रोफेन को मैरिज कार्ड के लिए भी देखा जाता है दे कि परिवार मान गए एंड शादी हो रही है या फिर यहाँ पर अरेंज मैरिज इज़ वेरी प्रोमिनेंट लव कम अरेंज मैरिज हो सकते बिकॉज अ मून एनर्जी हेर बट अगेन मैं कहूँगी अरेंज मैरिज इज प्रोमिनंट क्योंकि पेरेंट्स का ब्लेसिंग दिखाई दे रही है कोई मान रहा है कोई कन्वेंस्ड हो रहा है जैसे सीकर रिवियल हो गया पब्लिक हो गया थोड़ी धूम मच गई परिवार के बीचों बीच बट अल्टीमेटली सब कुछ ठीक हो गया कन्विंस्ड हो गए सभी थैंक यू वन मोर कार्ड थैंक यू थैंक यू वन मोर कार्ड वैसे मैंने ग्रुप वन के लिए मुझे मैंने आ, तीनों कार्ड ही ड्रॉ की थी बट मैं आपके लिए और एक कार्ड देखना चाहती हूँ थैंक यू थैंक यू ग्रुप नंबर टू थैंक यू थैंक यू मस्ट गाइड वन कार्ड मोड थैंक यू थैंक यू मस् गाइड थैंक यू

उस मैनिफेस्टेशन को कोई लेकर आ रहा है आपके पास तो यहाँ पर वो एनर्जी एंड टेम्परचर एंजल कार्ड है विपरीत परिस्थिति चला है आपके टन ट्वेंटी टू वन में टन ट्वेंटी वन में या फिर जब टन ट्वेंटी टू शुरुआत हो वो जनवरी फरवरी तक वो स्थिति बन सकती है गुरु के ट्रांजिशन डिपेंड करे आपके जोड़िया साइन या फिर लग्न कौन सा है बट अदरवाइज जितना जितना टाइम बढ़ेगा लव लाइफ की एनर्जी बहुत बहुत पॉजिटिव हो जाएगी डियर आई वॉल टोल्ड यू कि मुझे एनर्जी बहुत बहुत पॉजिटिव नजर आ रही है लॉन्ग डिस्टेंस से कम्युनिकेशन लॉन्ग डिस्टेंस से किसी पर्सन का लौटना आपकी लाइफ में आना यहाँ पर ट्रैवल नजर आ रही है या फिर टू ट्रैवल हो सकती है मैरिड कपल के लिए रिलेशनशिप के रिलेशनशिप uh, में जो है बट यहाँ पर आपकी लव लाइफ की स्थिति असेंडिंग मोड पे है मतलब इंक्रीजिंग मोड पे है स्टेटस का बढ़ना एक स्टेप आगे बढ़ना इवन फर्टिलिटी भी बिकॉज ऑफ चाइल्ड एनर्जी हियर यहाँ पर फैमिली एक्सटेंड हो रही है थैंक यू थैंक यू मस्पीत राय थैंक यू ग्लुप नंबर टू थैंक यू ट्वेंटी टू लव जोरनी थैंक यू थैंक यू स्टैंडिंग अलोन ये आपका फर्स्ट कार्ड आ रहा है यहाँ पर भी मून एनर्जी आपने डीले देखा है माय डियर कुछ कुछ ब्रेकअप आपने देखी होगी मतलब स्टैंडिंग अलोन आपको वेट है आपको वेट है माय डियर स्टैंडिंग अलोन थैंक यू एक पास्ट हार्ट एक आपने देखी ये एनर्जी ट्वेंटी टू का नहीं है माय डियर रेस्ट ए श्योर थैंक यू थैंक यू मच्क यू येस द गेम ऑफ लव यर यहाँ पर मैं आपको बोल रही थी कि टन टेंटी टू का एनर्जी नहीं यहाँ पर पासा पलटने जा रही है नंबर फाइव की एनर्जी है यहाँ पर बहुत कुछ होने जा रहे है टन टेंटी टू में आपकी लाइफ में अगर मैं सिंगल रिलेशनशिप की बात करूँ यहाँ पर आपकी लाइफ में मोर देन वन एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है एंड अगर बात करूँ मैरिड कपल के लिए तो यहाँ पर रिलेशनशिप में एक तरक़ा होगी माई डे मतलब जो लंबे टाइम से रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी मैरिड होने के बावजूद भी एक वन साइडेड बनी हुई थी उस जगह पर वो एनर्जी बैलेंस हो रही है अब थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बॉडी पॉजिटिव यस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू माय डियर क्या यहाँ पर इंटीमेसी है यहाँ पर यू नो इंटरेक्शन हो रही है मेल एंड फीमेल डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ इंटरेक्शन हो रही है यहाँ पर एक सी बीच एरिया में uh, घूमना मैं टूर ट्रैवल की बात करूँ बिकॉज ऑफ चैरिट एनर्जी है और यहाँ पर और कोई आ, टूर प्लान करना जो मैरिड कपल है यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में टूर प्लान करना पर्टिकुलरली सी बीच एरिया मुझे नज़र आ रही है एंड द लेडी हु वेट्स यस आई वॉल्टी टोल्ड यू माई डियर कि यहाँ पर इंतज़ार चल रही है लंबी टाइम से थैंक यू मसप्रीत गाय थैंक यू थैंक यू चलिए देखते हैं लव जर्नी टू थैंक यू थैंक यू ग्रुप नंबर टू के लिए लव जर्नी थैंक यू थैंक यू मस्पीट थैंक यू ग्रुप नंबर टू लव जर्नी थैंक यू टू लव जर्नी थैंक यू व्हाट्स कमिंग थैंक यू थैंक यू मस्त पीटका थैंक यू इमोशनल फ्रीडम यस स्टैंडिंग अलोन की एनर्जी देख रहे मुझे फील हो रही माय डियर की एनर्जी इज़ वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉस्टेड टायर्ड एनर्जी बट उस जगह पर आपको इमोशनल फ्रीडम मिल रही है कहाँ से बिकॉज ऑफ चैरिट एनर्जी हर एनर्जी इज असेंडिंग तो यहाँ पर आपकी एनर्जी मूव फॉरवर्ड हो रही है डायरेक्शन यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट है तो प्रोग्रेस हो रही है आपकी लव लाइफ इमोशनल फ्रीडम आ रही है एंड पर्टिकुलरली यूनिकॉर्न एनर्जी हियर रैबिट फर्टिलिटी यूनिकॉर्न इज अ मैजिकल एनर्जी हेयर एंड समथिंग इज कमिंग थ्रू दिस आउल एनर्जी आउल एक्चुअल में हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है सीक्रेट्स रिवेल होने जा रही माय डियर एंड कहीं ना कहीं दो गुरु ही आपके लिए इम्पोर्टेंट नज़र आ रहे है जुपिटर एंड वेनस दोनों ही उनका ट्रांजिशन उनका डेट्रो होना काफ़ी मतलब अफेक्टेड होंगे आप वो अच्छी हो बुरा हो वो डिपेंड करेंगे आपकी बात चढ़ के ऊपर बट दोनों गुरु का ट्रांजिशन ही बहुत इम्पोर्टेंट है थैंक यू थैंक यू थैंक यू ग्रुप नंबर टू एनर्जी इज़ नॉट अलाइन डियर जैसे आपकी चीज़ें भी बिखरी हुई हैं सब कुछ लाइफ भी लाइफ परपज़ यस ट्वेंटी टू में एक ऐसी इंपॉटेंट इवेंट लव लाइफ में होने जा रही है जो आपके लाइफ पर्पस के ट्रैक में आपको लेकर आएंगे एंड पर्टिकुलरली यहाँ पर दो डिफरेंट बर्ड्स यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक यूनियन पे आ रही है मैरिज कार्ड है माय डियर एंड एज वेल एज जो रिलेशनशिप में है उनका एनर्जी मैरिज तक पहुँच सकती है बात मैरिज तक पहुँचेंगे एंड दिस इज से क्रिएटिविटी एनर्जी है तो दोनों मिलकर खासकर मैरिड कपल दोनों मिलकर कुछ बनाएंगे वो कुछ प्रोजेक्ट हो कोई बिजनेस हो कोई काम हो घर हो व्हीकिल खरीदना हो कुछ ना कुछ यहाँ पर क्रिएटिविटी की एनर्जी है एंड दिस इज एक्चुअली कार्ड ऑफ फर्टिलिटी टू तो यहाँ पर आपका सैकड़ल चक्र ओपन हो रही माय डियर थैंक यू मैं स्प्रेड गायद थैंक यू मैं मास्टर कार्ड देखना चाहती हूँ थैंक यू मै स्प्रेड गायद थैंक यू चलिए देखते हैं मास्टर कार्ड एट टू मास्टर कार्ड लव राइट में थैंक यू गर्ट नंबर टू के लिए मास्टर कार्ड थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वन टाइम मो थैंक यू थैंक यू गाय थैंक यू दिस इज द जर्नी हेयर नंबर टू जर्नी मतलब स्परिचुअल जर्नी एज वेल एज फिजिकल जर्नी में जब यहाँ पर बोल रही थी ना आपको चैरियड एनर्जी हेयर चैरियड एनर्जी अगेन इज अज ट्रैवल कार्ड तो यहाँ पर कोई पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस आए आप जाएंगे यहाँ पर ट्रैवल इंपॉर्टेंट है हमारी टे यहाँ पर फिजिकल फिजिकल ट्रैवल फिजिकल जर्नी भी बहुत प्रोमिनेंट नजर आ रही है ग्रुप नंबर टू के लिए नंबर टू एनर्जी हियर एंड दिस इज थर्ड चक्र आर्केंजल सेवल ये एक्चुअली सोलह प्रेक्षक चक्र है कुंडली शक्ति है सन का एनर्जी है नंबर थर्टी सेवन एनर्जी हियर एंड यो बैक ऑफ द डेक दिस इज वन एंड टू एनर्जी एंड आर्केंजल माइकेल अगेन सो so, एंजल भी यहाँ पर आपकी लव लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे एंड पर्टिकुलरली वन एंड टू एनर्जी लव लाइफ इज असेंडिंग एंड जर्नी की एनर्जी हटी एंड अगेन जर्नी एंड जो सीढ़ी है ना जो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर मूव फॉरवर्ड की ही एनर्जी नजर आ रही है आपकी एनर्जी कुंडलिनी शक्ति भी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी माई डियर ग्रुप नंबर टू डोंट इग्नोर दिस एनर्जी कॉन्फिडेंस आएंगे क्योंकि सोलर प्रल्लेक्शन चक्र जब भी एक्टिव होते हैं कॉन्फिडेंस क्रिएशन सैक्रल चक्र आपका कुंडलिनिय शक्ति आपका सोलह प्लेक्शन चक्र भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर सन ज सोल एंड मेट सोल मेट को ही आप अट्रैक्ट करें जो आपके एक्चुअल में लव चर्म यहाँ पर आया हुआ था अट्रैक्टेड लवर एंड सोल मेट एंड लाइफ पार्टनर दिस एनर्जी इज वेरी वेरी ह्यूज बिकॉज दिस मून एनर्जी नंबर टू रूल बाय मून एंड नंबर वन रूल बाय सन वन एंड टू डेफिनेटली सन एंड मून यिन एंड यंग एनर्जी हेयर एनर्जी इज बैलेंसडर बट यहाँ पर आपकी सोल को आप ट्रू सोलट को आप अट्रैक्ट करेंगे ओके okay? यहाँ पर ऑलरेडी मेजर एनर्जी आया हुआ है अट्रैक्टेड लवर ट्रू एंड फॉर मेरिड कपल यहाँ पर मुझे जर्नी दिखाई दे रही है एंड एज वेल एज फोर्टी रेडी भी थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर टू मैं मिलती हूँ नेक्स्ट सीडिंग पे गॉड ब्लेस यू है ग्रुप नंबर थ्री वेलकम चलिए देखते हैं ट्वेंटी लव प्रेडिक्शन फॉर सिंगल मैरिड और अगर आप रिलेशनशिप में हैं सभी के लिए है अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल से चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ ग्रुप नंबर थ्री आपने रेड जॉस्पर चूज किया है रेड जॉस्पर हमारी बेस चक्रा हमारा मूलाधार चकड़ा हमारी फर्स्ट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है एंड आर्केंजल माइकल भी इस एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है एंड मार्स एनर्जी ये एनर्जी एक्शन को दिखाते हैं मैस्क्रन साइड को भी दिखाते हैं एंड एज वेल एज ग्राउंड होने की भी एनर्जी को दिखा दे कि आपकी आपकी लव लाइफ का बेस प्लेटफॉर्म स्ट्रांग हो रही है बिकॉज आप ग्राउंड एनर्जी हियर डेफिनेटली आप चाहते हैं कि कमिटमेंट एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपकी लाइफ में आए या फिर सामने वाला आपकी पार्टनर उतना एफर्ट्स नहीं लगा रहा था पहले जितना आप आप चाहते हैं आप एक्सपेक्ट करते हैं और आप डिजर्व करते हो तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी हील हो रही है आपकी लाइफ में एंड एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात भी दिखाती है रेड जस्पर की एनर्जी पैशन को दिखाता है रोमांस को भी दिखाता है चलिए देखते हैं थैंक यू थैंक यू मै स्प्रिट कार्ड ग्रुप नंबर थ्री ट्रेड एड टू लॉ प्रडिक्शन योर फर्स्ट कार्ड सन एनर्जी द गोल्डन एनर्जी ऑफ द सन ब्रिंग्स फेम एंड फॉर्चून सन की अगर मैं बात करूँ सन एक्चुअली काल पुरुष की कुंडली में फिफ्थ हाउस को रूल करता है तो फिफ्थ हाउस हमारे रोमांस का है चिल्ड्रन का है एडुकेशन का है तो इस जगह पर मैं लव लाइफ आपकी देख रही हूँ तो सन फिफ्थ हाउस हो सकता है आपका फर्टिलिटी मैरिड कपल के लिए फर्टिलिटी काफ़ी स्ट्रांग होगी एज वेल एज़ यहाँ पर क्रिएटिविटी पैशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेंगे ट्वेंटी टू में बिकॉज फिफ्थ हाउस रोमांस का घर है एंड टू एनर्जी टू एनर्जी एक्चुअली में रूल होती है मून से तो यहाँ पर सन का एनर्जी होने के बावजूद मून का भी वाइव सारे तो इससे इन यंग एनर्जी हियर थैंक यू एंड दिस द प्रोटेक्शन स्ट्रॉग प्रोटेक्टिव मैजिक फॉर द फैमिली एंड द होम नंबर टेन मुझे प्रोटेक्शन से क्योंकि एनर्जी आर के एनजन माइकिल से जुड़ी हुई है एंड नंबर टेन एक्चुअली सन से रूल्ड uh, है नंबर वन सन से रूल्ड है तो नंबर वन एंड टू दोनों मौजूद हैं एनर्जी आपका प्रोग्रेस हो रही है लव लाइफ आपके असेंडिंग स्टेज uh, पर है धीरे धीरे मूव फॉरवर्ड हो रही है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जा रही है लेवल वन से लेकर लेवल टू मतलब मूव फॉरवर्ड हो रही है एंड कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ आप खुद आपकी पूरी फैमिली यहाँ पर प्रोटेक्टेड है अगर आप मैरिड है बच्चे हैं पूरी फैमिली यहाँ पर जैसे प्रोटेक्टेड है एंजल से आपके स्प्रिट गाइड आपके एंडसिस्टर स्प्रिट की ब्लेसिंग्स की वजह से थैंक यू चलिए देखते हैं थैंक यू थैंक यू ग्रुप नंबर थ्री ट्वेंटी टू लव प्रोडिक्शन थैंक यू थैंक यू थैंक यू मिस्टर थैंक यू थैंक यू थैंक यू वन टाइम मोर थैंक यू ओके थैंक यू ओके चलिए अस्टूडे से देखते हैं कन्फर्मेशन थैंक यू ग्रुप नंबर थ्री ट्वेंट्री ट्वेंटी टू लव you. थैंक यू थैंक यू मैडक थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू चलिए देखते हैं थैंक यू मैं गाइड कार्ड आपका फर्स्ट मैसेज लव जर्नी ट्वेंटी ट्वेंटी टू अपॉर्चुनिटी वाह wow, मुझे यहाँ पर एक स्टार की एनर्जी एक्स एनर्जी की वाइफ सर यहाँ पर एक डोर जैसे ओपन हो रही है एक नया डोर एक नया अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन होगी एंड दिस इज एक्चुअली किंग ऑफ कप्स एनर्जी है मैं रिवर्स नहीं लूँगी किंग ऑफ कप्स एनर्जी ऑन द अपॉर्चुनिटी है और डेफिनेटली डिवाइन काउंटर पार्ट की ओर से एक अपॉर्चुनिटी ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है जेंडर पेसिफिक नहीं है बट किंग ऑफ कप्स एक स्ट्रांग पर्सनलिटी को दिखा रही है किंग एंड क्वीन क्योंकि पेज नाइट नहीं है किंग है एक स्ट्रांग पर्सनालिटी की ओर से एक अपॉर्चुनिटी वो परफेक्ट पार्टनर आपको मिल जाए या फिर सामने वाला जो एफर्ट्स नहीं लगा रही वो एफर्ट्स डालना शुरू कर दें द स्टार एनर्जी हीलिंग का एनर्जी एंड कहीं ना कहीं किंग ऑफ कप्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देते हैं लाइक किंग ऑफ पेंटकल्स ये दोनों एनर्जी कमिटेड रहते हैं हमेशा किंग ऑफ पेंटेकल्स एंड किंग ऑफ कप्स किंग ऑफ कप्स बोलते कम हैं अपनी एक्सप्रेशन को अपनी अपने फीलिंग्स को बहुत कम शेयर करते हैं बट करते वही है जो एक्चुअली करना चाहिए सामने वाला जो डिजर्व करते ये वो उनको देंगे ही देंगे किंग ऑफ कप्स बट थोड़ी डिटैस्ड किंग है थोड़ी डिटैस्ड एनर्जी रहती है बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं ये आँख आँख से आँख मतलब आई टू आई कॉन्टैक्ट में बात करते हैं ज़्यादा अपने थ्रॉट चक्र का इस्तेमाल कम करते हैं एंड अगर बात करें इनकी इनके स्वभाव की बिकॉज किंग ऑफ कप्स लिटिल बिट इंट्रोवर्ट शाई एनर्जी ये अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स सरप्राइज विजिट सरप्राइज कोई यू नो टूर टूर का प्लान करना ये किंग ऑफ कप्स करते हैं किंग ऑफ वांस भी करते हैं बट ढिंडोड़ा पीटेंगे बट किंग ऑफ कप्स ढिंडोड़ा नहीं पीटेंगे तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड कुछ आपके लाइफ में होने जा रही है माई ढीयर शायद अभी के टाइम पीरियड में आप उतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रही हो चलिए देखते हैं आपकी नेक्स्ट मैसेज थैंक यू रेडिकल एवरीज दिस इज़ द मार्स एनर्जी हियर एक व्हीकल की एनर्जी आ रही है व्हीकल गिफ्ट कर सकते हैं माई डेयर एंड एरीज में आ, बहुत ही पैशन की पैशन भी यहाँ पर दिखाई दे रही है एंड एस ऑफ सॉर्ट्स वाओ दिस इज़ एक्चुअली नंबर वन जोडियक्स साइन में वन जोडियस साइन फर्स्ट जोडियक्स साइन एवरीज है एंड दिस इज एस ऑफ शॉर्ट्स तो एस ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी तो इलेवन इलेवन एनर्जी मुझे यहाँ पर फाइव सारी माई डियर एंड आपके पास एक्चुअली अगर मैं देखूँ मैं एक्यूरेस एनर्जी की बात करी थी इलेवेंथ हाउस एंड दिस इज़ वन वन एनर्जी इलेवन इलेवन एनर्जी टू इन फ्लेम सोल मेड कनेक्शन में ग्रुप थ्री में बहुत सारे व्यूअर्स हैं एंड एवरीज दिस इज एक्चुअली मेन मेल मेन पर्सन का एनर्जी है एंड ये एनर्जी लिटिल बट एग्रेसिव है एवरीज एनर्जी थोड़ी हड़बड़ी करता है बट क्लैरिटी आ रही है डिवाइन काउंटर पार्ट की ओर से क्लैरिटी आ रही कम्यूनिकेशन आ रही है वो सोशल मीडिया के थ्रू से हो किसी कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू से हो किसी रिलेटिव्स के थ्रू से हो आपकी लाइफ में जो हीडन थी जो ऑब्स्ट्रगल जो थी बिकॉज ए सब शॉर्ट्स का मतलब ऑबस्ट्रगल रिमूवर ये जो एनर्जी है ना ये ऑबस्ट्रगल रिमूवर है एंड एवरेज एनर्जी बहुत ही पैर डंड को दिखा रही है मतलब रेडिकल चेंज आपकी लाइफ में आने जा रही है माइडियर जो एक्चुअली आपकी लाइफ में डिस्टाइंड है एंड एवरीज की एनर्जी में एक स्पार्क होती है मतलब जब ये इनका बॉडी लैंग्वेज इनका इनका बोलना क्योंकि इनका बेशचक्रा पर्टिकुलरली बहुत ही एक्शन ओरिएटेड एनर्जी एंड विथ दिस ईयर एंड फायर कम्बिनेशन हयर ग्रू दूसरी मैसेज में आया है ईयर एंड फायर कंबिनेशन एनर्जी इज़ वेरी ह्यूज एंड बहुत टाइम नहीं लगेंगे आपकी मतलब ट्वेंटी टू की एंड तक नहीं पहुँचेंगे ये एनर्जी को फलित होने के लिए ट्वेंट्रेंड टू की एंड तक लगेगा नहीं दिस इज वाटर यर्ड एंड फायर एनर्जी हयर सभी फ्लो में जा रहे मतलब ग्राउंड की एनर्जी कम है फ्लो मतलब बहुत ज़्यादा फ्लूइड की एनर्जी आ रही है तो बहुत टाइम नहीं थर्ड ल... मैसेज चले देखते हैं थैंक यू मस्प्रेड गाय दिस इज कैंसर एनर्जी फोर्थ हाउस कैंसर हमारे लिए फोर्थ हाउस है फीलिंग्स है हमारे इंट्यूशन क्योंकि मून एनर्जी है ये थैंक यू मीड गाइड ओ द मैजिशियन ओके नंबर वन एनर्जी तो यहाँ पर ट्रिपल वन भी बन रहा है माय डियर इलेवन इलेवन ट्रिपल वन आपको दिखाई दे सकती है ट्वेंटी ट्वेंटी टू में एंड कैंसर एंड द मैजिशियन एनर्जी एक बर्थिंग की भी एनर्जी आ रही माय डियर आप दुआ मांग रहे हो जैसे हाथ उठाकर आप दुआ मांग रही हो एंड वो फोर्थ हाउस के ही लिए दुआ है घर बनाने के लिए घर हो आपकी फोर्थ हाउस हमारे लिए कंफर्टेबल जोन है माँ का आंचल है फोर्थ हाउस राइट सुख का भाव है इंट्यूशन ट्यूशन चक्र आपकी ओपन होगी पर्टिकुलरली आपका सिक्स चक्र आपकी ओपन होगी बेस चक्र ओपन होगी एंड मजिशियन एनर्जी दुआ कबूल होगी माय डियर लव लाइफ में जैसे कोई दुआ आपकी कबूल होने जा रही है फैमिली एक्सटेंड होगी क्योंकि बर्थिंग एनर्जी यहाँ पर मुझे प्रेगनेंट एक महिला की पिक्चर नजर आ रही है तो यहाँ पर फैमिली का एक्सटेंड होना एंड बी रिसेप्टिव माईडियर एंड आप दुआ मांग रही हूँ माईडियर लंबे टाइम से आप दुआ मांग रहे मांग रही हो कहीं ना कहीं कही यहाँ पर विश फुलफिल मैंने इलेवंथ था उस अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है एंड आप फाइव डी से थ्री डी रियलिटी में उस एनर्जी को लेकर आ रही हूँ मैंने फेस्ट कर रही हूँ ऑथेंटिक वे में थैंक यू मस्प्रीट गार्ड इवन यहाँ पर जो इन रिलेशनशिप में थी उनका भी एक स्टेट आगे बढ़ेंगे मतलब वह बात इंगेजमेंट कमिटमेंट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तक बात पहुँचेंगे चलिए देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस थैंक यू Group number three, thank you. Tal ready to luxury. Group number three. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Miss Virtue. Thank you. Thank you so much. Thank you. द चार्म सिम्पलिसिटी नंबर एटीन की एनर्जी है चार्म सिंपलिसिटी की एनर्जी है यहाँ पर कोई जैसे कोई चौ... यू नो म्यूजिकल uh, इंस्ट्रूमेंट बजा रही है एंड यहाँ पर एक फीमेल है तो यहाँ पर एक कपिल तो मौजूद है माई डियर एंड बहुत छोटे छोटे चीज़ में यहाँ पर जैसे आपको खुशी मिलने जा रही माय डियर मतलब हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको छोटी सी कोई गिफ्ट दे रही है बट खुशियाँ बहुत आ रही माय डियर यहाँ पर एक बर्ड्स की एनर्जी आ रही है एंड यहाँ पर जो थर्ड बर्ड है ना वो जैसे चली जा रही है जो कुछ भी ऐसे थर्ड पार्टी कनेक्शन टाइप के कुछ ऐसे मौजूद थे आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है उस एनर्जी से भी आप हील हो वो एनर्जी भी हील हो रही माई डियर जैसे दोनों साथ में आ रही हो, जैसे दो एक्चुअल में जो कपल हैं वो साथ में हैं छोटे 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 चीज़ में भी आप खुशियाँ ढूँढोगे थैंक यू थैंक यू मस्ट का कर थैंक यू बहुत मासूम एनर्जी है थैंक यू आपको एक्चुअली यू वांट प्योर लव मुझे आपके लिए वो वाइफ सारी कि आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए यू you नो know, बहुत बड़ी एक मतलब कोई व्हीकल आपको ऑफर करे कोई आईफोन आपको ऑफर करे उससे भी ज़्यादा आपको ट्रू लव चाहिए इस फाइल में जो व्यूअर्स हैं इनको प्रोटेक्शन चाहिए सिक्योरिटी चाहिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए मतलब गिफ्ट्स इनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हैं आई डोंट नो वाई मैं थोड़ी वियर्ड मैसेज दे रही हूँ आपको बट आई फील इट आपके लिए ट्रू लव रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है थैंक यू एंड वो मुझे दिखाई दे रही है एंड बियॉन्ड वर्ड्स दिस इज़ एक्चुअली बियॉन्ड वर्ड्स का एनर्जी है यहाँ पर फिर से कपल एंटीमेशी की टाइम फ्रेम दिखाई दे रही है तो नंबर ट्वेंटी नाइन नंबर एलेवन का एनर्जी है एंड uh, एक पार्टनर जैसे दूसरे पार्टनर को पैम्पर कर रही है समझ रही है बियॉन्ड वर्ड्स फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है एक दूसरे के साथ जैसे एक टेलीपैथिक कनेक्शन आप फ़ील करोगे सामने वाला बोला भी नहीं आप समझ जाओगे वो फीलिंग्स एक्सप्रेस भी नहीं किया आप समझ जाओगे क्योंकि यहाँ पर पहला कार्ड ही आपका आया था किंग ऑफ कप्स आप एनर्जी ज़रूरत नहीं है ज़रूरत नहीं है वर्ड्स की यहाँ पर अनुभूति परसेप्शन ही काफ़ी है एहसास एहसास ही इम्पॉर्टेंट है साथ बचन फेरे की जरूरत नहीं बस एहसास में तुम हो तो यही यही वो एनर्जी है माय डियर आई डोंट नो मैं कैसे समझाऊँ आपको मुझे यहाँ पर जैसे वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है जैसे आप दोनों फील करोगे एक दूसरे दु, की फिजिकल टच को भी आप फील करोगे एंड ए लविंग गेज हियर लविंग गेज एक्चुअली एक सीक्रेट एडमारल की एनर्जी है लव एट फर्स्ट साइट की एनर्जी भी लविंग गेज को दिखा रही है एंड पर्टिकुलरली uh, कोई लॉन्ग टाइम से किसी को छुप के देख रहा था तो हो सकता है उस जगह पर आप कपल बन जाए माई डेव एक सिंगल एनर्जी से एक डुअल मोड मुझे नज़र आ रही है थैंक यू मस्प्रिट गाय थैंक यू थैंक यू चलिए देखते हैं थैंक यू ग्रुप नंबर थ्री के लिए लव जर्नी थैंक यू ट्वेंटी टू थैंक यू लव जर्नी थैंक यू थैंक यू मिस बीट गाय थैंक यू थैंक यू वन टाइम मोर थैंक यू थैंक यू थैंक यू मिस बीट गाय थैंक यू सरेंडिपिटी, लक प्रॉस्परिटी मैं आपको बोल रही थी ना लंबे टाइम से कोई जैसे अकेला सफ़र कर रहा है उस जगह पर यहाँ पर कोई अपनी बीच पे अपनी जो नैयाँ हैं वो अभी एक बीच पे आ रही माई डियर लंबी टाइम से आपको वो बीच ही नहीं मिल रही थी वो स्टेबिलिटी आपके लाइफ में उस लव लाइफ में नहीं थी आप अकेले सफ़र में थी तो इस जगह पर सिंगल से डुअल एनर्ज कहीं ना कहीं सफ़र में आप अकेले नहीं थी माई डियर आपकी एंजल आपकी स्टार आपकी गाइड सभी आपके साथ थे थैंक यू थैंक यू मास्ट्रीट गाइड थैंक यू सिल्वर वाटरफॉल फॉल येस दिस इज़ एक्चुअली कार्ड ऑफ हीलिंग जहाँ पर वाटर वाटर में जैसे प्योरीफिकेशन हो रही है लंबी टाइम से जो नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी थी उस जगह पर आपकी प्योरीफिकेशन हो रही है एंड बैक ऑफ द डेक दिस इज अ कम्पैटिबिलिटी एनर्जी हर यहाँ पर जैसे दो बर्ड डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही थी अचानक से राही में टकराई एंड यहाँ पर यूनियन हो रही माय डियर पीस भी आपकी लाइफ में रिस्टोर होने जा रही है कंपेटिबिलिटी के डिफरेंस में मैरिज हो सकती है बट आप दोनों सोलमेट हैं यहाँ पर मैं आपको बोल रही थी ना मुझे वो वाइब्स आ रही है सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम की वाइब्स आ रही है सेक्सुअल फ्रीडम हियर डेफिनेटली जगह पर दो बर्ड्स यहाँ पर यूनियन में आ रही है डिवाइन यूनियन हो रही है सेक्रेड यूनियन हो रही है एज वेल एज सेक्सुअल यूनियन थैंक यू मिट गाइड थैंक यू चलिए देखते हैं मास्टर कार्ड थैंक यू थैंक यू Book number 3, 2022, Master Energy, Love Lightning. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Ms. Great Guy. Thank you. Thank you. Angel of Strength, Leo Energy here. नंबर फाइव चेंज का नंबर है एंड कहीं ना कहीं जो सिचुएशन आपकी चल रही थी लंबे टाइम से आप मेल फीमेल जो भी है स्टेटस आपका सफ़र अकेली थी या फिर अकेला था कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी बनी हुई थी उस जगह पर आप रिकवर करिए दिस इज द कार्ड ऑफ रिकवरी वो इम्प्रूविंग हेल्थ वो मेंटल फिजिकल सब जगह पर एक रिकवरी की एनर्जी है चेंज का एनर्जी है थैंक यू माई स्प्रिट गाइड एंड दिस इज एंजल ऑफ लव आई एव ऑलरेडी टोल्ड यू माई डियर यहाँ पर लव लाइफ के लिए आपके लिए ब्लेसिंग्स है सो रेस्ट एश्योर यहाँ पर एनर्जी बहुत बहुत पॉजिटिव है माई डियर सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर थ्री मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे गॉड ब्लेस यू